इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा भारत की अस्मिता गौरव और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष की महान गाथा है। बर्बर आक्रांताओं ने भारत की आत्मा पर चोट करने और भारत का अपमान करने के लिए हमारी संस्कृति और आस्था के केंद्रों को ध्वस्त किया। सोमनाथ, काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों का तोड़ा जाना आज भी भारत की स्मृतियों में जीवित है। सन 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का मुगल आक्रांता बाबर द्वारा तोड़ा जाना ऐसी ही एक अक्षम्य घटना थी जिसने सीधे भारत के सम्मान और आत्मा पर चोट की थी। भारत रामलला के जन्म स्थान पर बाबर के नाम पर बने एक ढांचे को देखता और उसे हटाने का संकल्प लेकर शक्ति संजोया करता। चुनौतियों के इस समय में सन 1984 में विज्ञान भवन दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने धर्म संसद का आयोजन किया। इस संसद में देश भर के संतों ने राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए आह्वान किया। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा गांव-गांव से राम शिला पूजन करके अयोध्या भेजी गई। 2,75,000 गांवों से राम शिलाएं अयोध्या पहुंची। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सन 1990 में सोमनाथ से अयोध्या के लिए श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा की शुरुआत की। रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। आजाद भारत में जन्मभूमि पर राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने फिर एक बार अपना बलिदान दिया, पर कार सेवकों ने विवादित ढांचे पर भगवा फहरा ही दिया और इस तरह कार सेवा सफल हुई। और देखते ही देखते 6 दिसंबर 1992 को श्री राम जन्मभूमि से बाबरी ढांचा सदा के लिए हट गया। यह क्षण शौर्य, न्याय और सत्यमेव जयते का क्षण था, पर सत्य को तो जीतना ही था। आखिरकार देश के सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की खंडपीठ ने 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक निर्णय दिया और यह कहा कि अयोध्या जन्मभूमि परिसर की पूरी 67 एकड़ भूमि रामलला की, और न्यायालय ने भारत सरकार को जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नित्य गोपाल दास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस तरह लगभग 500 वर्षों से राम जन्मभूमि की मुक्ति के संघर्ष का पटाक्षेप हुआ। आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ। हम जानते हैं जैसे पत्थरों पर श्री राम लिखकर राम सेतु बनाया गया, वैसे ही घर घर से, गांव गांव से श्रद्धा पूर्वक पूजी शिलाएं यहां ऊर्जा का स्रोत बन गई है। वाकई ये न भूतो न भविष्यति है। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए।
अजय भाई।